नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक बुलाए जाने के संबंध में महापौर को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा बाल क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह का किया गया आयोजन। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया अपनी प्रतिभा। नगर निगम प्रशासन आगामी दिवाली व छठ पर्व को संपन्न कराने की तैयारी में जुटा। मंगलवार को महापौर की अध्यक्षता में होगी बैठक। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने दी जानकारी। यातायात माह के तहत SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने यातायात चौराहे पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों का किया चालान, कहा आगे भी चलता रहेगा अभियान। PRP पुलिस की आगामी दिवाली व छठ पर्व को संपन्न कराने के लिए तैयारी हुई पूरी, कहा बाहर से आने वाले यात्रियों की जा रही है चेकिंग। अनजान व्यक्ति का दिया हुआ सामान ना खाएं, हो सकते हैं जहर खुरानी का शिकार। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, की जा रही है आगे की कार्रवाई। CO कैंट ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। भारत सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय में बालिका जन्म उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केक काट कर नवजात बच्चियों को दी बधाई, दीर्घायु होने की कामना। 9वीं अंतर विद्यालय रत्न प्रकाश मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने किया भव्य शुभारंभ। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का हुआ शुरुआत।